कहते हैं मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ऐसा ही कुछ कर रहे हैं नोएडा के इंडोर स्टेडियम में व्हीलचेयर बास्केटबॉल खिलाड़ी। दरअसल आज हम बात कर रहे हैं नोएडा के इंडोर स्टेडियम में तैयारी करने वाले दिव्यांग बच्चों की, जो विदेश में नेपाल, लेबनान, थाईलैंड में भारत का नाम रोशन कर चुके हैं, जिसके बाद आज नोएडा इंडोर स्टेडियम में सिल्वर मेडल जीतने के बाद दिव्यांग टीम का जोरदार स्वागत हुआ। ग्रेटर नोएडा में हुए इंडिया इंटरनेशनल व्हीलचेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट में रेखा शर्मा, फहीम खान और अलीशा खान ने सिल्वर मेडल जीता। वहीं फहीम ने फलिस्तान के खिलाड़ियों के साथ अपनी किस्मत आजमाई और सेकंड पोजीशन पाई। वहीं रेखा शर्मा और अलीशा खान ने कंबोडिया के साथ व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेला, जिसमें दोनों ने सेकंड पोजीशन पाई और सिल्वर मेडल जीता। जीतने के बाद अलीशा खान, रेखा शर्मा और फहीम खान अपने घर पहुंचे, जहां परिवार ने उनका जोरदार स्वागत किया। ये है अलीशा खान। अलीशा खान भी दिव्यांग है। अलीशा ने भी सिल्वर मेडल जीता है और अलीशा को शुरुआत में परिवार से सहयोग नहीं मिला। अलीशा खान अपनी नानी के घर पर बड़ी हुई। जब अलीशा को सरकार की तरफ से 2500 पेंशन मिलने लगी, जिससे वह अपना खर्च भी चला रही है, अलीशा कहती हैं कि शुरुआत में मुझसे अक्सर बच्चे दोस्ती नहीं करते थे, लेकिन आज जब मैं बेहतर कर रही हूँ तो आज मेरे काफी दोस्त हैं। अलीशा एक गरीब परिवार से आती हैं। अलीशा की पढ़ाई जारी है। अलीशा एक अच्छी टीचर बनना चाहती है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा स्वागत यहाँ हुआ है और थैंक्स सिक्योरिटी सॉल्यूशन, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करा। क्या खेल खेलती हैं आप? मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल गेम खेलती हूँ। अभी लास्ट खेल आपने कहाँ खेला? मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला है नोएडा में भी फर्स्ट इंडिया में ही हुआ है टूर्नामेंट। क्या जीता आपने वहाँ से? मैंने हम सेकंड वुमेन्स टीम सेकंड आई थी। अच्छा। तो सिल्वर मेडल। बहुत बढ़िया। आगे क्या तैयारी है? आगे गेम में और स्टडी में टीचिंग करना है मुझे, फिजिकल एजुकेशन। अभी कौन सी क्लास में? अभी मैं 11th क्लास में हूँ। कभी लगा नहीं, जैसे आप दिव्यांग हैं, बच्चे कहते होंगे तुम कुछ नहीं कर पाओगी, आज सब कुछ कर रही हो? बचपन में लगता था कि जब बच्चे मुझे विकलांग कह के चिढ़ाते थे तो तब लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरी लाइफ ऐसी है। पर जब से मेरी नानी, मतलब अपनी नानी के घर पर रहने लग गई और फिर उसके बाद सपोर्ट मिला, वरुण सर मुझे मिले तो बहुत सपोर्ट था। ये है रेखा शर्मा। रेखा शर्मा में काफी हौसला है। रेखा शर्मा कई बार घबराई, लोगों ने तरह तरह की बातें कही, लेकिन रेखा शर्मा अपनी मंजिल को देखती रही। थाईलैंड में 2 बार खेल चुकी हैं और यह सपना अब उनका पूरा होता नजर आ रहा है। रेखा ग्रेटर नोएडा में कंबोडिया से सिल्वर मेडल जीती हैं और अब रेखा गोल्ड मेडल जीतना चाहती है। परिवार वालों ने भी रेखा शर्मा का फूल मालाओं से स्वागत किया। रेखा शर्मा भी नॉर्मल फैमिली से आती है। सरकार अभी रेखा शर्मा को 2500 पेंशन दे रही है। मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलती हूँ और अभी मैं एशिया ओशाना थाईलैंड जा चुकी हूँ 2 बार और अभी इंडिया में मैच हुआ था। इंडिया में कहाँ पर हुआ था? अभी अभी आपने ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा वहाँ से क्या जीता आपने? सेकंड पोजीशन आई है। आगे क्या तैयारी है? आगे गोल्ड लाने की। ये है मोहम्मद फहीम। फहीम अभी तक लेबनान, थाईलैंड में, नेपाल में खेल चुके हैं। शानदार प्रदर्शन कर रहे मोहम्मद फहीम अपने साथियों का हौसला बढ़ाने में कभी पीछे नहीं रहते। मोहम्मद फहीम ने फलिस्तान में व्हीलचेयर बास्केटबॉल में सेकंड पोजीशन लाकर सिल्वर मेडल जीता है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, बहुत कुछ, मतलब ये लोग मुझे सिक्योरिटी सॉल्यूशन में मुझे बहुत अच्छा, मतलब फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है और जो हमें हमारा स्वागत किया है, इससे क्या है कि हमारे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मतलब कहाँ पर खेल चुके हैं, क्या खेल खेलते हैं आप? मैं व्हीलचेयर बास्केटबॉल खेलता हूँ और अंडर 23 2017 में मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल था, जिसमें मैं एक्चुअली जो फर्स्ट इंडिया का टूर्नामेंट ही हुआ था, इसमें क्या था कि
जो फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था और जिसमें मैं भी सिलेक्ट हुआ था और हम लोग वहाँ पे थाईलैंड में उस टूर्नामेंट को खेलने के लिए गए थे। और किस देश में खेल चुके हैं आप? थाईलैंड, लेबनन, नेपाल, इंडिया में भी हमारा एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था, ये थ्री कंट्रीज। और ग्रेटर नोएडा भी खेले हैं? जी सर। वहाँ से क्या जीत? ग्रेटर नोएडा में हमारा सिल्वर मेडल था व्हीलचेयर बास्केटबॉल में। आपने जीता है? जी सर। आज नोएडा के इंडोर स्टेडियम में मोहम्मद फहीम, रेखा शर्मा, अलीशा खान और उनके साथ ही निखिल और ऋषभ का फूलमालाओं से स्वागत हुआ। इस मौके पर इंडोर स्टेडियम के इंचार्ज अमित कुमार भी मौजूद रहे। अमित कुमार ने कहा कि जब जिस तरह की जरूरत होती है हम हमेशा इन बच्चों के साथ खड़े रहते हैं, परिवार की तरह हम भी सभी को रखते हैं। साथ ही अमित कुमार कहते हैं कि आने वाला समय बहुत बेहतर होगा। वहीं कोच वरुण कुमार बताते हैं कि उन्होंने शुरुआत में सभी दिव्यांग बच्चों से वादा किया था कि वो केवल हफ्ते में दो दिन ही उन्हें सिखाने के लिए देंगे और ये शुरुआत हुई थी 2015 से। अब यही दिव्यांग बच्चे अपने माँ बाप का और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। नेपाल, थाईलैंड, लेबनान में खेल चुके हैं। वरुण कोच बताते हैं कि अलीशा और रेखा शर्मा का परिवार काफी गरीब है। अलीशा और रेखा शर्मा को परिवार से ज्यादा सहयोग नहीं मिल पाता। सच है कि एक्सेसिबल जो था वो था नहीं कहीं भी, और पूरे उत्तर प्रदेश में ही एक एक्सेसिबल और अच्छी जगह ही हमें मिली। जेपी में आपके बच्चों ने किस किस ने मेडल जीता है? मेडल हमारे तीन बच्चों ने जीता, मोहम्मद फहीम ने सिल्वर, रेखा ने सिल्वर और अलीशा ने सिल्वर। आज उन्हें सम्मानित भी किया गया? आज उनको सम्मानित किया गया। आगे क्या तैयारी है? आगे तैयारी इनका जो है फरवरी मार्च में एशिया ओशियाना क्वालिफायर है जो थाईलैंड में होगा, उसी के लिए इनकी तैयारी है। तो उसमें हमारे और बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे, पूरे उसमें जो इंडिया टीम के कैंप्स के लिए पूरा प्रयास करेंगे। आपका कौन सा बच्चा जो विदेश खेल चुका है, क्या नाम है? हमारे करीब 4-5 बच्चे खेल चुके हैं यहाँ से। तो हमारा एक बच्चा मोहम्मद फहीम विदेश खेल चुका है। कहाँ कहाँ पर? थाईलैंड है, लेबनन है। थाईलैंड में एक्चुअली ज़्यादा बैंकॉक है, ये इस तरफ यहाँ ज़्यादा टू एशिया ओशियाना क्वालिफायर इसी तरफ होते हैं, और एक लेबनन में जा चुका है। तो टोटल मिला नेपाल में खेला, नेपाल में तो फहीम को मैन ऑफ द मैच भी मिला है। तो ये टोटल सिक्स इंटरनेशनल मोहम्मद फहीम ने खेले। यहाँ पे जो हमारा टीम का कैप्टन है ऋषभ है, ऋषभ अंडर 23 में एशिया ओशियाना खेला है, वो भी थाईलैंड में खेला है। धीरज है, धीरज भी अंडर 23 में एक एशिया ओशियाना में खेला है। अलीशा अब जो फर्स्ट अपना पहला खेली है जो इंडिया में हुआ है। रेखा का ये थर्ड है, रेखा भी एशिया ओशियाना दो पहले खेल चुकी है और एक अब खेल रही है। और हमारे यहाँ और मतलब और बच्चों में बहुत वो है, निखिल हमारा यंगेस्ट प्लेयर है इसमें, एंड उसको मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर पहले मिला हुआ है नेशनल्स में। अगर कोविड नहीं होता तो शायद अभी कहीं ना कहीं ये उसमें टूर्नामेंट में इंटरनेशनल्स खेल रहा होता, बट ये भी एक इमर्जिंग प्लेयर है और मैं पूरा प्रयास हमारा यही है कि ये बच्चा भी इंटरनेशनल टीम्स में खेले। बता दें कि नोएडा इंडोर स्टेडियम में बच्चों ने देश विदेश में खूब नाम कमाया है। अब कई बच्चों का सिलेक्शन इंडिया व्हीलचेयर बास्केटबॉल में भी हो गया है, जिसको लेकर कोच और समिति के सदस्यों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। नोएडा से साजिद अली की रिपोर्ट।